दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म जवान रिलीज से पहले ही काफी चर्चा बटोर रही है। फिल्म के निर्माता पहले ही फैंस को पोस्टर और दो ब्लॉकबस्टर गाने जिंदा बंदा और चलिया के साथ जलवा दिखा चुके हैं। जवान के गाने चलिया के हिंदी वर्जन को मशहूर गायक अरिजीत सिंह और शिल्पी राव ने मिलकर गाया है, जिसमें शाहरुख और नयनतारा रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे थे। जैसे जैसे इस फिल्म का क्रेज बढ़ता जा रहा है, जवान को लेकर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब ताजा रिपोर्ट्स में पता चला है कि जवान में थालापति विजय का कैमियो होने वाला है। पहले रूमर्स थे, लेकिन अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि जवान में थालापति विजय का जबरदस्त कैमियो देखने को मिलने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के टीजर और दो गानों के बाद अब फिल्म से एक और जबरदस्त सॉन्ग सुनने और देखने को मिलने वाला है, जो कि 1955 में आई श्री 420 का एक सॉन्ग रमैया वस्तावैया का रीमेक होने वाला है, जिसे किंग खान एक बार फिर नए अंदाज में लेकर आ रहे हैं। और इंडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यशराज फिल्म स्टूडियो में फिल्म के बेहतरीन सॉन्ग को फिल्माया गया है। और देखने वाली बात ये होगी कि क्या थालापति विजय एक सॉन्ग में नजर आते हैं या कि फिल्म में एक्शन भरे कैमियो के साथ। हालांकि दोस्तों फैंस की डिमांड है, फैंस चाहते भी हैं कि थालापति विजय और शाहरुख खान का एक जबरदस्त एक्शन भरा सीक्वेंस हो, जैसा कि पठान में शाहरुख और सलमान खान का दिखाया गया था। और ये बात डायरेक्टर एटली कुमार, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए पॉसिबिलिटी बहुत ही तगड़ी है कि एटली कुमार साउथ के सुपरस्टार थालापति विजय और बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान शाहरुख खान को एक जबरदस्त तरीके से दिखाने वाले हैं। और रूमर्स तो यहाँ तक हैं कि ये सीक्वेंस ऐसा होगा कि इसे साउथ और बॉलीवुड दोनों जगहों पे काफी लंबे समय तक याद रखा जाएगा। फिलहाल दोस्तों आप कितना एक्साइटेड हैं बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और थालापति विजय को एक साथ देखने के लिए, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें।